आप सब पर सलामती हूँ मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा अब ई लॉग देख रहे हैं नाजिन आज खैबर पखतून खा में जो ऑपरेशन अज़म इस्तकाम है उसके बारे में जो दो स्टेक होल्डर्स हैं मेन खैबर पख्तूनखा के वो बोलें आज अली मीन गंडापुर साहब ने अडयाला जेल के अंदर मुलाकात की है इमरान खान साहब से और इमरान खान साहब जो उनके बारे में ये कहते थे कि इनको मुलाकात नहीं करने दी जा रही और जेल में बैठी हुई कुछ शख्सियात जो हैं वो मुलाकात करने से रोक रही हैं और पहले जो सुपरिटेंडेंट और डेपटी सुपरिटेंडेंट था वो अच्छे आदमी थे उनको तब्दील कर दिया गया तो इस जमन में उन्होंने आके क्या बातें की हैं वो बताऊँगा अली अमीन गंडापुर साहब ने और दूसरा मौलाना रहमान साहब ने कहा है सियासी मुशावरत का सिलसिला चलना चाहिए और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तहत बना लिया है तो हम उसका एहतराम करते हैं हम उस तहत को मनफी नज़र से नहीं देख रहे लेकिन उस पर मुशावरत हो जाती तो उसका नक्शा अलग होता उन्होंने कहा कि हमारी तीन सौ साल तारीख जो है वो गुलामी के ख़िलाफ़ जंग लड़ने की है मुसल्ह तनजीमें जो हैं वो खुलेआम घूम रही हैं और इस्टेबलिशमेंट को हर शोबे में अपनी बालादस्ती को ख़त्म करना होगा हम सब इस मुल्क के बराबर शहरी हैं उन्होंने ये भी कहा कि हमारी बलोचिस्तान की सियासी जमातों के कायदीन से भी मुलाकात हुई है इतहाद बनना अच्छी बात है लेकिन ऐसा नहीं है कि मारूजी ज़रूरत के लिए इकट्ठे हो जाएँ और जब मकसद हासिल हो जाए तो फिर मकसद हासिल होने पर शहबाज शरीफ और जरदारी बन जाए फिर अगर इतहाद बनाए तो आइन की बालादस्ती तक खड़े रहना चाहिए यानी उन्होंने पैगाम जो है वो हुकूमत को भी दिया कि तुम लोगों ने जब अपने मफादा पूरे हो गए तो फिर हमें जो है जवाब दे दिया तो उन्होंने उन्हें भी पैगाम दिया और पाकिस्तान तहरीर इंसाफ़ को भी एक पैगाम दे दिया मौलाना फजलुररमान साहब ने कहा कि खैबर पख्तुनखवा हुई है बलूचिस्तान मुसल तनजीमें खुलेआम इलाकों को कंट्रोल कर रही हैं और बलूचिस्तान के बारे में नहीं जानता मगर के पी में सूरज गुरूब होने के बाद पुलिस थानों में बंद हो जाती है मौलाना रहमान ने कहा कि इन्होंने अब ऑपरेशन अजम इस्तकाम शुरू करने का कहा है ये अदम इस्तकाम ऑपरेशन है जो इस मुल्क को कमज़ोर करेगा मौलाना रहमान साहब ने सवाल उठाया कि मुल्क को और कमज़ोर क्यों किया जा रहा है जई वाई आई फे के सरबरा का ये भी कहना था कि शहबाज़ शरीफ वज़ी अजम नहीं है बस कुर्सी पर बैठे हुए हैं उन्होंने कहा कि जहाँ इजलास में वर्दी वाला मौजूद होगा तो फैसला भी वर्दी वाला करेगा क्या हमने पाकिस्तान इसलिए हासिल किया था कि हम जर्नेलों की ग़ुलामी करेंगे ये जो जुमले उनकी तरफ से बोले गए बड़े सख्त जुमले हैं और इसी तरह की बात बैरिस्टर गौहर ने भी कल कही उन्होंने कहा कि कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं लेकिन मैं ये आपसे कहता हूँ कि इन कैमरा इजलास किया करें मौलाना रहमान साहब ने कहा हम किसी तहत की मुखालफत नहीं कर रहे सियासी लोगों की बाहमी मुशावरत का सिलसिला चलना चाहिए बातचीत और मशावरत के बेहतर नतएज आएँगे हम नई सोच के साथ एक मंजिल तय करना चाहते हैं जमहूरियत और पार्लियामेंट जो है वो अपना मुकदमा हार चुकी है उन्होंने कहा हम मुल्क में एक छत के नीचे रहना चाहते हैं छत को तोड़ना नहीं चाहते हम मौलाना रहमान साहब वो ऑपरेशन के हवाले से भी बोले वो मजमूरी सूरत हाल के हवाले से भी बोले जिससे ये तासर मिला के शहबाज़ शरीफ साहब ने जो जाके उनसे मुलाकात की थी और जिससे बाहमी तौर पर यह दिखाई दे रहा था कि मौलाना साहब उनकी तरफ झुकाव दिखाएंगे और फिर जब मौलाना रहमान साहब की बातें हुई और जब ये हुआ कि वो मुश्तरक तौर पर हुकूमत की तरफ से एक कमेटी के सरबरा बनाए गए हैं तो फिर जमीयतुलमा इस्लाम फे को अपनी तरफ राखिब करने की कोशिश है लेकिन ये हालिया बयान वो उस कोशिश को जायल करता है और बाकायदा तौर ये निशानदेही करता है कि उनके इरादे और उनके गोल और हैं दूसरी तरफ वजी अला खबर पख्तुनखाली अमीन गंडापुर साहब ने खान साहब से मुलाकात करने के बाद मीडिया से गुफ्तु करते हुए कहा कि मुजाक के लिए तैयार है लेकिन पहली बात मैंडेट चोरी फॉर्म फोर्टी फाइव की होगी उन्होंने कहा सबक कमिश्नर रावल पिंडी लिया चट्टा को पागल करार देकर जान नहीं छूट सकती अरियमीन गंडापुर साहब ने कहा कि मेरी इमरान खान साहब से पॉलिसी पर बातचीत हुई है अपेक्स कमेटी की मीटिंग में जो बताया गया कि तमाम वज़रा आला मौजूद थे और वहाँ पर फैसला हुआ तो उन्होंने कहा कि मीटिंग में एक पॉलिसी बनाई गई पॉलिसी थी कि अमन वमान का क्याम दहशत गर्दी का खात्मा होना चाहिए और मीटिंग में अज़म पाकिस्तान का नाम आया उन्होंने कहा सिर्फ़ अजम पाकिस्तान का नाम आया ऑपरेशन का लफ्ज़ न पहले था ना बाद में उन्होंने कहा इमरान खान साहब की हुकूमत में दहशत गर्दी में कमी आई हमने काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को बेहतर किया हमारी पॉलिसी है अवाम को पहले एतमाद में लिया जाए दहशत गर्दी का मुकाबला अवाम के बगैर नहीं कर सकते सूबों और पार्लियामान कोतम में लिए बगैर फैसला नहीं हो सकता अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि अभी तक तो पॉलिसी आई ही नहीं है कि इन्होंने करना क्या है बिलावल भुटो ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया मगर अफगानिस्तान नहीं गए उनको हमारे अफवाज पाकिस्तान के जवानों और सिविलियन जवानों की परवाह नहीं है मुकाबला करने के लिए एक बेहतरीन पॉलिसी और बातचीत होनी चाहिए फिर वजीर अली खैबर पख्तुनखा ने यह भी कहा कि हमने कहा है कि आप अफगानिस्तान से बातचीत की पॉलिसी बनाना चाहते हैं तो फिर उसके अंदर हम किरदार अदा कर सकते हैं हम पाकिस्तान में दहशत गर्दी का खात्मा चाहते हैं उसके लिए हम हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बानिया पी टी आई पहले भी ये कह रहे थे कि पाकिस्तान की खातिर मजाक के लिए तैयार हों हम बात करने के लिए तैयार हैं लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन वही होंगी तहकीकत होनी चाहिए कि नोमय कैसे हुआ तहकीकत होनी चाहिए कि नोमय किसने किया हमारी पहली शर्त है कि मैंडेट चोरी और फॉर्म फोर्टी फाइव के ऊपर बात होगी आ, अली अमीन गंडापुर साहब ने यह भी कहा कि हमारा सूबा जो है वो बिजली बनाने वाला है आइन में हमारे हुकूक हैं लेकिन बिजली हमें नहीं दी जा रही लोड शेडिंग की एक हद है कहते हैं बारह घंटे थे लेकिन लोड शेडिंग सोलह घंटे की हो रही है मैं ये चीजें नहीं चाहता लेकिन अवाम की तकलीफ फिर देखनी पड़ेगी अली गंडापुर साहब ने कहा कि मेरे बिजली की मद में आपने 510 सौ अरब रुपए देने हैं हमने हुकूक की जंग लड़नी है मुल्क के हालात को भी हम देख रहे हैं हमने एक माह में एक अरब रुपए की रिकवरी की है उन्होंने कहा कि आइनी तौर पर गवर्नर जो है उसका सूबे में कोई काम नहीं है गवर्नर के पी मुझ पर पचास इल्जाम लगा चुके हैं गवर्नर के पी का सियासी बातें करने का काम नहीं है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा घूमते फिर रहे हैं लेकिन मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ मेरे अपने लोग जो हैं जो उन के पी से ताल्लुक रखते थे उनको उठाया गया तोड़ा गया लोग बेवकूफ नहीं है लोग समझते हैं अब अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से जो बातें हुई और फिर मौलाना फजल रहमान साहब ने वो बातें की तो ऑपरेशन के मुतालिक तो दोनों के नज़रियात एक जैसे दिखाई देते हैं दूसरा जो आ, उन्होंने डायलॉग के हवाले से बात की तो डायलॉग के हवाले से भी अभी कोई पुर्फज़ा माहौल दिखाई नहीं दे रहा तीसरी बात यह है कि मौलाना फजलरहमान साहब हुकूमत की तरफ तो वापस नहीं पलटने वाले जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं कि मफाद पूरा होने पर वो शहबाज शरीफ और जरदारी बन जाते हैं फिर लोग तो उनका झुकाव अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ दिखाई दे रहा है लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस हद तक मौलाना के साथ स्टैंड हो सकती है ये एक बुनियादी सवाल है क्योंकि माजी में और बिलखसूस खैबर पख्तनख्वा के अंदर भी इनका जो टकराव है वो जमीयतलमाया इस्लाम फे के साथ है और किसी बड़ी जमात के साथ नहीं है तो वहाँ पर मफादात का टकराव जो है वह किस हद तक इन्हें स्टैंड होने देता है ये भी एक बात है उधर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अंदरूनी तौर तो पर जो मसाइल का सामना है इस जमन के अंदर लाहौर में मीडिया से गुफ्तु करते हुए मलिक अहमद खान साहब ने कहा कि मोहम्मद जुबैर साहब जो है वो ऐसी बात कर गए हैं जिससे उनको काफ़ी उलझन आ सकती है मोहम्मद जुबैर जो है वह नवाज शरीफ जनरल बाजवा की मुलाकात की तफसीत तो सामने लाएं वो ये बताएं कि कब मुलाकात हुई कब बाजवा यहाँ से गए नवाज शरीफ जिस कद काठ के लीडर हैं उनकी कोई भी मुलाकात और मसरूफियात छुपी नहीं रह सकती उन्होंने कहा जनरल बाजवा की नवाज शरीफ से मुलाकात तो क्या बातचीत भी नहीं हुई मोहम्मद जुबैर ने बेबुनियाद बात की है उसके कानूनी नतज हो सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने कहा कि मोहम्मद जुबैर की बात पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए तो स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि जब भी मुल्क को खतरात हुए पूरी कौम यकजा हुई है नेशनल एक्शन प्लान मंजूर किया गया और उसके खातर खान नतज निकले और दहशत गर्दी से नॉर्मल प्रोसीजर से हटकर नबोदाजमा होना पड़ता है मलिक अहमद खान साहब ने यह भी कहा कि असद कैसर के पास कहने को कुछ नहीं था और मुझे ये यकीन है कि मौलाना और अली मोहम्मद खान दलील से बात कर सकते हैं ये उस कौम की सलामती और बका का मामला है चंद शरपसंद ग्रोह इस तरह की सूरत हाल कायम करना चाहते हैं और सियासी जमातों को इसके ऊपर अपना किरदार अदा करना होगा उन्होंने कहा मैं धरनों का मुखालिफ रहा हूं धरनों ने पाकिस्तान को अदम के अलावा कुछ नहीं दिया हमें दिया ही किया लेकिन मलिक अहमद खान साहब ने जहां पर मोहम्मद ज़ुबैर साहब वाली बात की है तो उस पर मुझे ये लगता है कि उन्होंने आ, शहद की मक्खियों के छत्ते को छेड़ने की कोशिश की है अगर वो छत्ता जो है वो रिएक्ट करेगा तो बहुत सारी शायद इन बातों से हटके और बहुत सारी बातें मंजर यहाँ पे आएंगी और वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए परेशानी का बायस हो सकती हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब अगर इस मामले पे बात करने की बजाय कुछ और चीज़ें खोलना शुरू कर दें क्योंकि करीबी तो वह रहे और वो खोलेंगे तो वो बातें बहुत बढ़ेंगी और मोहम्मद ज़ुबैर साहब इस कंडीशन में हैं क्योंकि उनकी रफ्तार और तरह की है जब कोई ट्रांजिशन हो रही हो पॉलिटिकल ट्रांजिशन यानी एक पार्टी से आप दूसरी पार्टी में मुंतकिल हो रहे हो तब तो आपकी जबान जो है वो पेट में दबी हुई बातों को ज्यादा निकालती है ये मोहम्मद जुबैर साहब चौधरी निसार साहब नहीं है कि जिन्होंने किसी और पार्टी में जाने का फैसला नहीं किया चौधरी निसार साहब नहीं है जिन्होंने खामोशी में ही मसलहत समझी और खामोश रह के ही अपनी सियासत जो है उसे किसी हद तक तर्क कर दिया मोहम्मद जुबैर साहब सियासत करना चाहते हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि मैं किसी पार्टी में जाऊंगा और जब वो किसी पार्टी में जाने के लिए बातें कर रहे हों तो फिर माजी की बातें जो दूसरी पार्टी से होती हैं वो नई पार्टी में जाने के लिए आपको कैश करवाना पड़ती हैं ताकि आप मेन स्ट्रीम में आ सकें तो वो ऐसी बातें मज़ीद खोलेंगे जब ऐसी बातें मज़ीद खुलेंगी तो इनके लिए कितनी मुश्किल हो सकती है और किस हद तक ये उस पर ओवरकम कर सकते हैं या किस हद तक ये डैमेज हो सकता है कुछ ही दिन बाद पता चल जाएगा मुझे दीजिए इजाज़त ने के बाद